थोड़ा लाइट डालिए सर, नजर नहीं आ रहा। किसने लाइट डाली थी? रुक, नजर आ रहा था कैमरे की लाइट डाली ना आपने। अरे दे दो ने कैमरा अपने हाथ से, वो कर लेंगे। कैमरा पकड़ा दो, फोन किसका है? मोबाइल की लाइट पड़ रही थी ना, सबको नजर आ रहा था। आप अपना करो ना मैडम, आपका तो इतना अच्छा फोन है। हेलो एवरीबॉडी, हम आज कैनवस पे टेक्सचर लगाना बता रहे हैं आपको। सिर्फ वीडियो बनानी है? नहीं नहीं, सिर्फ लाइट जला दीजिए आप। सॉरी एवरीबॉडी, वहाँ से हम लोग बाहर आ गए, ग्रुप से आउट हो गए। हमारी मैडम देख रही थी, क्या नाम है हमारी, बैगनी साड़ी वाले। ये हमारा टेक्सचर है नाइफ वाला, नाइफ टेक्सचर इस तरीके से हाथ चलाना है अलग अलग तरीके से। ये हमारा टेक्सचर है फाइव फिंगर, एक मैडम ये वाला कलर बनता है जैसे, है ना, क्रिमसन। इतना क्रिमसन इधर को कर लिया। ये कौन सा सेमेंट? क्रिमसन है, डार्क रेड सबसे। हल्का सा ब्लू लेंगे। मेरे फोन में नहीं आ रहा है। हाँ सिर्फ फाइव कॉल और डाल दो। इसको हम पूरे फैलाएंगे। हम लोग टेक्सचर पेंटिंग बनाने जा रहे हैं कैनवस के ऊपर, हम बुद्धा जी बनाएंगे इसके ऊपर। तो हम थोड़ा टेक्सचर डाल रहे हैं, थोड़ा सा क्ले का काम करेंगे। मिक्स मीडिया नहीं है, ये टेक्सचर पेंटिंग है। इसके लिए हमने अपना मार्बल डस्ट पाउडर एंड ये इमल्शियन थोड़ा सा एंड फेविकॉल, पानी नहीं लेंगे हम। ज़्यादा टाइम तक रहे इसलिए हम पानी नहीं लेंगे, ज़्यादा पानी डालने से, पानी डालते के साथ ही ये अपना कच्चा हो जाएगा हमारा टेक्सचर ना। मैंने मैंने को भी ब्लू दिया है वाला, लगा दो ब्लू कहीं अंदर अंदर फूलों में ना। पर्सन ब्लू, हाँ ये वाला कॉबल्ट ब्लू। पर्सन ब्लू लगाना ही मत उसमें अभी। बिल्कुल खींच खींच के कलर करेंगे, यहाँ टेक्सचर मारेंगे। ये हमने अभी आपको बताया था इस तरीके से टेक्सचर मारने में। कंघी से टेक्सचर भी दे सकते हैं आप, आधी कंघी फिर आधी कंघी, ये छोटे वाले जैसे ग्रुप का ग्रुप लेना पूरा, फिर आधी कंघी ऐसे। इस तरीके का टेक्सचर भी दे सकते हैं आप, इसको पेंटिंग कर सकते हैं आप। अगर आप पूरा गोलधरा बना चाहते हैं इस तरीके से, तो पूरा घुमा दीजिए इसको। ओह सॉरी, इस तरीके से। प्लीज आप मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए, हो सके तो मेरी वीडियो हॉबी आइडिया भी डाल सकते हैं आप। ये भी ये ले लेना, अब ये भी ले लो, चलो पूरा एक ग्रुप सा हो जाएगा।
पूरा टेक्सचर फैला लें पहले। मैडम ला रहे हैं पेंटिंग आप, हो गया गोल्डन? गोल्ड कलर लगा लेंगे हम ना, आप गोल्डन कलर कर लो बस अभी ना। कलर भी अच्छा लग रहा है सर। अरे वाह, कलर ही अच्छा लग रहा है, गोल्ड नहीं देते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा हॉश पॉश। चलिए अब इसकी कलरिंग करते हैं हम। और बड़ा ब्रश नहीं है इससे किसी के पास? विशाल से पूछा एक ना, इसका कोटिंग वाला ब्रश है, कोटिंग वाला। नीचे से पकड़िए। हाँ वही तो देव तो पहले। आप बहुत तरीके का टेक्सचर दे सकते हैं। ये हमारा ब्रश टेक्सचर है, ये हमारा नाइफ टेक्सचर है, हम बुद्धा पेंटिंग्स बनाने वाले हैं। ये पकड़िए, कैसी बातें करते हो, काफी चीज कर रहे हैं दूर से आ रहे हैं। ट्रेसिंग में प्रॉब्लम क्यों होगी मैडम जी? कार्बन लगाएंगे, हल्का हल्का आ जाएगा, मैं तो फ्री हैंड बना दूंगा। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हटा दो मैडम, कैनवस हटा दीजिए। नहीं ये कर रहे हैं, हटा दो ना इसको। कहाँ पे रखना है? विशाल कहाँ रखें कैनवस को मैडम? लाइए पेंटिंग, यहाँ ले आइए, थोड़ा सा हल्का सा खिसका लो, उनकी भी आएगी ना। अच्छा 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 यहीं यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, उनकी भी आएगी ना अभी। क्या करूँ अभी, बोलना बैंक बैंक बैंक
बैंक से मतलब वो चार्ज होता है, चार्ज करना बैंक आपने टेक्सचर लगाना सीखा आज। हमारा फ्लावर भी काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। फ्लावर पेंटिंग कहाँ रख दी हमने, फ्लावर पेंटिंग हमने क्ले फ्लावर अभी इसको बना रहे हैं, थोड़ा सा अभी और टाइम लगेगा बनने में। धीरे धीरे आप देखिए सारी चीज़ें एकदम दिखाऊंगा तो आपको दिमाग में नहीं आएगा, कहते हैं ना हजम नहीं होगा वो। आराम आराम से देखिए, हम कलर ले लेते हैं इसके अंदर। चिड़िया में ना मैडम थोड़ा सा ले लेंगे हम, हल्का सा येल रेड, हल्का सा लाइट ऑरेंज। इसको ना, इसको चिड़िया के इसके पंख को ऐसे हल्का कीजिए, ठीक है ना, इसके ही पंखों को कीजिए। थोड़ा सा हम ले लेंगे इसमें दूसरा ब्रश है, हल्का सा देखो ब्लू ले लिया, हल्का सा क्रिम्सन, तो एक डार्क कलर बनेगा। इसके मुंह पे कर दीजिए, चिड़िया हो जाएगी बिल्कुल काली, भग काली नहीं, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, ये ऑनलाइन बता सकते हैं। विशाल वहाँ बैठे हो, यहाँ देख, यहाँ वहीं से बता दोगे, वहाँ बैठ के बता रहा है। नहीं बाबा वाइन, मैडम सुबह से वाइन बड़ा याद आ रहा है आपको, दो बार बोल चुके आप। अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा, जैसे ही मैं एक इस पे हाथ मारूंगा जादू होगा, देखिए अभी दिखाता हूँ मैं। जरा धोती है ना विशाल कपड़ा, धोती तो रहा धोती का कपड़ा, धोती टुकड़ा और मकान। हाँ एक फिल्म आने वाली है, धोती टुकड़ा और मकान। थोड़ा सा वाइट लेंगे हम, थोड़ा सा वाइट लेके हम इसको हाईलाइट करेंगे। थोड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, इतना सा। पेंटिंग मुझसे बहुत दूर है पता है। हाँ जी, मेरे पास करो पेंटिंग को ना, अभी हुई ना। क्या पूरा सूख जाए तब ही कलर करना है क्या, कितने सवाल हैं ना मैडम आपके आज, नए नए आप आए हैं। दीपिका जी आप अभी ज्वाइन हुए हैं, कभी हिंदी में आ रहे हैं आप, कभी इंग्लिश में आ रहे हैं, क्या बात है। यूट्यूब घूम के नहीं आए इसका मतलब अभी तक ना, आपके मेरी कट्टी यूट्यूब घूम के आओ।
हल्का सा वाइट मारेंगे, कपड़ा लेंगे तेल में डिप करके, और हम इसको हल्का हल्का हाथ मारेंगे, जो हमारा काम किया हुआ नज़र आने लगेगा। और जो कलर डार्क था वो ख़त्म हो जाएगा। ना खुश हो आप? पहले मैडम सोची कि डार्क डार्क सा हो गया। ऐसे ना हल्का हल्का हाथ मारना है सब लोग। जादू का हाथ घूम रहा है। हाँ जादू का हाथ घूम रहा है ये, इसलिए मैं कह रहा था आप बस कलर कर दो, ठीक है ना। अब लीजिए धोती का टुकड़ा, हमारी हरी साड़ी वाली मैडम आ गए हैं, आज सुबह से गायब थी। न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हमारे से जुड़ रहे हैं, यूट्यूब घूम के आए प्लीज। मैं यहाँ से बोलूँगा मैडम, देखिए पुराने स्टूडेंट कैसे जवाब देंगे आपको, अभी देखिएगा है। रिलीफ पेंटिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होता है प्लीज़ हमारे ऑनलाइन के बताएंगे सब लोग। बताइए अनीता जी, रीता जी, हमारे नए स्टूडेंट को पता लगना चाहिए। ये सब स्टूडेंट मेरे को कम से कम एक साल से फॉलो कर रहे हैं। ऑनलाइन रिश्ता भी एक अलग ही रिश्ता है। नहीं विशाल जी, बहुत मना करते हैं, मगर मैं कहता हूँ अरे उन लोगों को क्या होगा, रोटी खाना बंद कर देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऑनलाइन का रिश्ता, ऑनलाइन रिश्ता है। विशाल जी नहीं समझेंगे अभी, क्योंकि विशाल जी को टाइम नहीं दे पाता मैं बात करने के लिए। एक्चुअली डेंगू के मरीज हैं, थोड़ा सर पे चढ़ गया है डेंगू। थोड़ा तेल देना, तेल देना। भगवान डेंगू किसी को ना हो। दे रहा हूँ, नहीं एक ही ले गया हूँ, हर जो दे रहा हूँ ले लीजिए। अब बताइए मैडम, हमारी दीपिका मैडम के सवाल, दीपिका गुप्ता जी के सवालों के जवाब दीजिए, हमारे ऑनलाइन वाले खुद जवाब देंगे। मैडम आप पूछिए, देखिए अब सिर्फ सब तैयार हो गए, हमारी बेटी भी आ गई। नहीं मैडम गंदा है तो तेल ना, एक इसमें गंदी उसमें निकाल देते हैं गिलास। हमारी प्रीति बेटी भी आ गई, देखो अब ये भी जवाब देगी आपको। बड़ा मज़ा आता है, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन जवाब देते हैं। यहाँ रखिए, पहले मिठाई लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर हमें कलर समझ में आएंगे ना। आप लोग जो जो लोग हमसे चेन्नई में क्लास लेना चाहते हैं, वो लोग चेन्नई में उषा मैडम से कांटेक्ट करें, उषा आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपका कहाँ पर है विशाल? चेन्नई में अन्ना नगर। थोड़ा कपड़ा और दीजिए मैडम, कपड़े का ना ये मत दो, ये मत दो विशाल, कपड़े का ना ये मत निकलने दे, ये जो है ना ये रेसा सा ये सब फंस रहा है उसमें। 2 तारीख से मैं चेन्नई में आ रहा हूँ, 2 चेन्नई वालों को मेरी तरफ से वड़कम। आई एम कमिंग चेन्नई 2 अक्टूबर विशाल। और निकालेंगे तेल ना, एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, हाथ डर पूरा जाएगा, बड़ा बर्तन नहीं ये तो गिर जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
ये क्या करने वाले हो? तो सारे कौन बना रहे हो सर? इसमें डालो, कौन सी बारात आ रही है? हाँ जी डालिए, ये लो कपड़ा दूसरा। इनको सारा जवाब का जवाब दे दो जो कुछ बहुत सारा कुछ पूछ रहे हैं। नौ दस तारीख से मैं ममता क्रिएशन में आ रहा हूँ चेन्नई में, दो तारीख उषा मैडम के यहाँ पे हूँ। रुकावट के लिए खेद है, विशाल के मुंह में छेद है। हाँ हाँ कोई नहीं, ये आकाशवाणी है। मौसम खराब होने के कारण ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में आपत्ति हो गई थी, आपत्ति होने के कारण हमें चाय पत्ती ले आए और अब हमारा वीडियो सही आ रहा है। कितना हंसती है हमारी हरी साड़ी वाली मैडम। ये आकाशवाणी है, अब आप चंद्रा जोशी से समाचार सुनेंगे। रिलीफ पेंटिंग कोन बनाने के लिए विशाल जी ने दुनिया भर के कोनों की बारात खड़ी कर दी, जिसके कारण हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट में एक भूकंप सा आ गया। सबको मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो। हमने बाहर की तरफ अपने कौन सा कलर लिया है? ये वाला कलर कौन सा है? ग्रीन वाला कौन सा था? कौन सा ग्रीन ले लिया? सेफ ग्रीन और मिक्स लिया। कौन सा? नहीं मिक्स नहीं लिया, टैरी वेटर और सैप ग्रीन को मिक्स किया है, तो ये कलर बना है हमारा। सुबह से बैठने के कारण कोमल जी बिल्कुल सुस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण वो ट्री ऑफ लाइफ को बार बार खोल खोल के देख रही हैं। छपा कि नहीं छपा, छपा कि नहीं छपा। वो बिल्कुल कोमल नजर आ रही हैं। और हमारी Simple. मैंने पहली बार नाम सुना है सिंपल, डिंपल सुना था, रिंकल सुना था, मगर सिंपल पहली बार सुना। सिंपल जी पूरी डूबी हुई हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। घर जाके पता लगता है कि आटा गूंदा नहीं है, गूंदना पड़ेगा। घड़ी में 9 बज गए हैं। सब लोग दूर दूर से आए हैं, कम से कम सब लोग 200-200 किलोमीटर दूर से आ रखे हैं हमारे पास। ज़्यादा हो गया? ओह सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया ना? उतना ही हो गया, जाम में फंस के आ रहे हैं। हाँ जाम में फंस के आ रहे हैं तो उतना ही हो गया। विशाल जी को थोड़ा खेद है, क्योंकि विशाल जी के मुँह में मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, माँ ही लिख देंगे लोग। बैकग्राउंड बहुत वाइट है, बाहर कैसे करूं? दूसरा कपड़ा लेना, साड़ी ऊपर से करना है मुझे, कोनी कोनी वैसे कर ले, लाइट कलर हो तो बहुत लाइट है, बहुत जी नहीं। फिर नीचे क्या करना पड़ेगा सर? नीचे लगेगा तो लगेगा थोड़ा बहुत, तो अब दोबारा करना पड़ेगा बाद में। बाद में दोबारा यही सेम कलर मारना, चार पाँच दिन बाद करिएगा जब ये सूख जाएगा ना। कलर सूख जाएगा
ताकि अगर नीचे का ऊपर आ भी रहा तो हम कपड़े से उसको निकाल सकते। आप लोग जो जो लोग चेन्नई में हैं वो लोग प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि चेन्नई में ऑलरेडी 50 लोग हो चुके हैं दोनों तरफ के मिला के। हम 300 लोगों से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ज़्यादा हो गया? नहीं ठीक है, 300 तो ले लेंगे। 5 लोग आ रहे हैं ना। रिलीफ एंड आर्ट की पूरी बारात है चेन्नई में। यहाँ पे से लोग मेरे को पहले डरा रहे हैं, सर वहाँ पे जा रहे हैं बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट है, प्लीज़ वहाँ पे आप जा रहे हैं, प्लीज़ आप जा रहे हैं, ऐसे डरा रखा है कि जैसे पता नहीं मैं आर्ट एंड क्राफ्ट ना लेके जा रहा हूँ। अरे मैं भी तो आर्ट ही दिखाने जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे जब कहीं नई जगह जाता हूँ। सबसे बढ़िया बात होती है मैं ग्रुप को छोड़ रहा होता हूँ, जब जैसे मैं पूना ग्रुप छोड़ा तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था ग्रुप छोड़ते हुए, सबसे इतना घुल मिल जाते हैं 10-15 दिन में। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ, जब मैं सफ़र में निकलता हूँ, मुझे फिर आगे की धुन हो जाती है कि अरे नया ग्रुप आने वाला है मेरा, आगे ना आगे मेरा ग्रुप मिलने वाला है। बस दूसरा ग्रुप मिला, मैं दूसरे ग्रुप को भूल जाता हूँ उतनी देर में, फिर वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं। बस अभी तक मेरा जयपुर ग्रुप बन चुका है, बॉम्बे ग्रुप बन गया है, नोएडा ग्रुप बन गया है, पूना ग्रुप बन गया है, हैदराबाद ग्रुप बन गया है, चेन्नई ग्रुप नहीं बना हमारा। चेन्नई ग्रुप अगर बनाना चाहें तो हमारी मैडम बना सकती हैं, मुझे ऐड कर दें। हाँ, उनसे मैं बात कर सकता हूँ। अभी सब लोग इसको हो जाएंगे 3-4 वर्ष लेकर। ये मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट कलर लिया है, इंग्लिश कलर में हम इसको बना रहे हैं पेंटिंग को। आप क्या बना रहे हैं विशाल जी, सर बताएंगे जो हमारे नए लोग जुड़े हैं उनको समझाएंगे थोड़ा। वी आर मेकिंग रिलीफ मटेरियल फॉर द फीलिंग। हाँ हाँ, क्या इंग्लिश बोलते हैं, मज़ा आ जाता सुन के ना, लगता है जैसे कि पता नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाँ किसी को डेंगू हो गया और बाद में फिर इंग्लिश बोल रहे हैं। भगवान सबको सब कुछ बुखार उखार सब हो जाए, डेंगू ना हो। सर जयपुर में कब आएंगे, कहाँ आ पाऊंगा मैं जयपुर? वो कौन सा गाना है जहाँ पे वो बोलती है ना कि ये वो कहता है कि जो अब तुम ये देख रही हो इसे कभी आए थे इनको भी दिन में आके देखना, तो कहती है कि ना कहाँ आ पाऊंगी मैं। तो वो डायफिल्म का गाना कैसे, नाम क्या है, मैं भूल गया। वो है उसमें ना, क्या नाम है विशाल जिसके हाथ खड़े, संजीव कुमार। संजीव कुमार है फिल्म में ना, शोले में चांदी पूरे करा देते हैं। ये कौन सा मटेरियल है यूज किया है, मगर आप घूम के नहीं आएंगे एक बार यूट्यूब पे ना मैडम। दीपिका गुप्ता जी, दीपिका गुप्ता जी, रुचिका गुप्ता जी से बात कर सकते हैं क्योंकि आप लोग एक ही फैमिली के हैं, गुप्ता गुप्ता अच्छे रहते हैं। रुचिका गुप्ता जी बताएं, टेल मी विच मटेरियल एंड रिलीफ पेंटिंग्स यूजिंग। रुचिका गुप्ता जी ऊपर चली गई मैडम आपके। लो जी लिख दिया रुचिका गुप्ता मैडम ने, देखा ये, देखा ये होती है एकता हमारी। हेलो,
हमारी रुचिका गुप्ता जी मैडम बात कीजिएगा, दीपिका गुप्ता जी प्लीज़, बहुत अच्छा काम है हमारी मैडम का। रुचिका गुप्ता मैडम अपना नंबर दे दीजिए। मिक्स मीडिया और काफ़ी तरीके की पेंटिंग मैडम करवाती हैं। मैडम की वर्कशॉप भी होगी दिल्ली में, रखवाएंगी चांद ऑनलाइन हमारी वर्कशॉप रखवाएंगी मैडम। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। चांद सर ऑनलाइन दिल्ली में रुचिका गुप्ता जी के यहाँ आएंगे बहुत जल्दी। अच्छा सर आप क्या ले रहे हैं? ये गोलगप्पे का पानी है, गोलगप्पे का पानी इसमें डाल दीजिए। तुम क्या ले रहे हो विशाल? मैं तो चल ठीक है, मैं तो गोलगप्पे का पानी ले रहा हूँ। तुमने क्या लिया विशाल? मैडम ये करो, ये करो इतना नहीं, इतना इतना जितना किया इतना कर दो। तारपीन का तेल यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या लिखा था, तारपीन का तेल है ये। नहीं इसको मत दिखाओ ना, गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है? अच्छा सब बताएंगे, अच्छा सिखाएंगे। आप बोर्ड लेके जाओ घर पे, करना मटेरियल बना रहा है आपके लिए। कलरिंग बता रहा हूँ मैं, थोड़ा कलर करवाऊंगी, जाओ कलरिंग भी देख लो थोड़ा और भी सीख लो, आपको भी करनी है टफ होगा। उनका घर दूर है मैडम, आठ बज गए। वही तो सर बोल रहे हैं ना, मेरे से दो घंटे क्या हो गया, घंटा खाना बनवा दिया हमें आपका, यहीं से पैक करा दिया। और किधर लगा दो सर, बोलो आज फिर बाहर ले लो वही। कल तो पूरा लपेट गया, थोड़ा और ले लो मैडम। वेरी सिनेट जैसे इस वाले में है ये, बाहर को किधर लगाना है मुझे खाली बता, इस वाले में कौन सा बाहर को? हाँ बाहर को ले लो, यही ना। दो रोटी दबा के ये नया फिनिश कर, बता दो कलर इसको फिनिश कर मैडम इसको एकदम। और किधर लगा दो बोलो, चांद ले लो भाई इसको एक बार तेजी से, सब पे लगा दी, जगह लगा दिया, इन दोनों पे लगा दो मैडम। क्या लगा दो? यही वाला अगर आपके हाथ में जो है। मैंने कौन सा ले लिया? नहीं येलो कैसे आएगा, वाइट लो मैडम आप। क्रोम येलो ले लो, ये वाला क्रोम येलो, और दोनों मिक्स करके ना, ये फ्लावर नहीं है ये वाले कोने हैं, फ्लावर के कोने, और ये वाला फ्लावर पूरा ले लो, ये फ्लावर के कोने कोने जो है। टेरी वाटर ग्रीन, येलो सर कौन सा वाइट लगाना? प्योर वाइट मैंने स्प्लिट करा ऐसे रख लो, उसको भी उनका भी कराया था ना उसने, आप तो परफेक्ट हो जाओगे मगर आपका वो वैसा है ना पोस्टर होता तो शायद आप कुछ कर लेते को कुछ अच्छा नहीं कोई नहीं तो आप आ ही जाएगा वाइट लेंगे, वाइट मिक्स करते चलेंगे। आपका मन कैसे बन गया लगा बनाने का ट्री ऑफ लाइफ? सर इसमें कहाँ लगाना? लाइव वीडियो देख के चांद सर ऑनलाइन येलो पूरा येलो कर दीजिए पूरा।
ऐसे ना सर? ऐसे कर दीजिए, बस इतना ही करिएगा। इधर कौन सा कलर था? ना इधर मैडम वो है गोरा, ये वेरिएशन रेड ना बहुत इसमें ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, इसको निकालना पड़ेगा पहले। ये आकाशवाणी है, अब आप चंद्रा जोशी समाचार सुनेंगे। गाना भी सुना लिया जी। ट्री ऑफ लाइफ पूरा कंप्लीट करने के लिए हम चार पांच लोग भिड़ चुके हैं। और ये मैडम बता दो आर्टिस्ट के साथ रहते हैं हमारे सामने वाले आपके हर कलरिंग में। कपड़ा मुझे कपड़ा चाहिए बहुत सारा, काटो बैठे खड़े होके काटो वहाँ पे, जाओ उधर उधर जाओ। देना दो चार, ये लो ये लो। ये है ना मैडम हमारे पीस कपड़े कपड़े, इतने बड़े नहीं चाहिए मेरे को, छोटे छोटे कपड़े चाहिए। यहाँ पे गोड़ बोके करूँगा। और कपड़ा तेल ना बड़ा बर्तन चाहिए हाथ धोने के लिए मेरे को, बार बार चीज समझ गई मेरे हाथ में नहीं, पता नहीं कौन सा तेल है। हाँ ऐसे छोटे छोटे करूँगा, फेंकूँ करो फेंकूँ। हाँ जी ठीक है, देख लेते हैं इसमें निकालेंगे ये, ठीक है। डब्बा नहीं मिल रहा था, डब्बे खाली कर लो। ये रखा पेंसिल का डब्बा, पेंसिल वाला खुला हाथ चलेगा ना। हाँ अब निकालो, ऐसे निचोड़ लीजिए इसको अच्छी तरह, गोलगप्पे के पानी को अच्छी तरह धोइए। अरे भैया तारपिन का तेल है, कभी दुकान पे चले जाओ गोलगप्पे की दुकान में, तेल पानी दे दो। इस पे क्या करना है, ये जाली वाले पे? जाली पे मैडम एक कलर और उसमें लेंगे वो बनाओ ना, ये वाला ले लो मैडम, मैडम बीच में आप करो कलर बना के रखना। हां ये सही है, इसको ये वाला कलर कीजिए, इसमें थोड़ा सा ये ले लीजिए। मेरे ब्रश में है। अच्छा है मैडम, ये उठा लो फिर डायरेक्ट। नहीं मेरे ब्रश में है ये। अच्छा ये अच्छा ये कलर पकड़ रहे हो क्या आप? ब्लू पकड़ लो, ये वाला ब्लू छोटे फूलों में करना है, छोटे फूलों में करना है, जितने भी छोटे फूल है ना इनके इनके एजेस में करना है, आगे आगे। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 7838424384। यूट्यूब पे भी आप मेरा काम देख सकते हैं चांद कुमार के नाम से। हाँ यहाँ बाहर बाहर ब्लू हल्का लाइट ब्लू। चांद सर ऑनलाइन वॉच विशाल। मैडम ये ले लो ना, ये ग्रुप है पूरा, कम कलर को ज्यादा से क्या मैं करना है? टाइम लगेगा थोड़ा करने में, आपको पिक्चर डालते हैं, थोड़ा सा हाथ खुला चलने दीजिए। बाय। कलर बताते रहो मतलब, अभी बाद में बताएंगे, बहुत सारे कलर नहीं है, दो तीन कलर नहीं है। ऑरेंज मजेंटा कॉबल्ट ब्लू टेरोटा ग्रीन पत्तों में, ज़्यादा कलर नहीं है, इक्के दुक्के कलर में निकाल रहे हैं हम। कुछ है ग्रुप लो।